हेलो डियर व्यूअर, स्वागत है आपका इस कांडा के द्वितीय दिवस में। यह भैया दूज के उपलक्ष्य पर द्वितीय कांडा यहाँ पे लगी हुई भीड़। ये लगी हुई यहाँ पे ध्वजाएं, इसको निशान के रूप में जाना जाता है। यह हमारी संस्कृति ढोल दमौल लगी हुई लंबी कतार। यह है कांडा का दूसरा दिवस भैया दूज के उपलक्ष्य पर। यहाँ पे देखे कितने निशान आए हैं कल प्रथम दिवस में, गिनते हैं 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 निशान कर ला रखे। तो यह जो कांडा का मेला है इसके प्रथम दिवस में इतने सारे जो कम से कम 15 जो है निशान यहाँ पे चढ़ाए गए हैं। आज द्वितीय दिवस है कांडा मजीद जो भैया दूज के उपलक्ष्य में दिवस में मनाया जाता है यहाँ पे। देखिए भक्तों की कितनी भीड़ कतार लग चुकी है। तो ये काफी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। ये देखिए बैलों की चेयरी नंदी महाराज। ये जो घंटी दिख रही है 1880 के करीब की है यहाँ पे लगाई गई। तो एक मंदिर है यहाँ पे जिसमें भोले बाबा जी, राधा कृष्ण जी, माँ तादी और शिव पार्वती का समूह इस मंदिर में विराजमान है। यह जो कांडा मेला लगता है इसमें काफ़ी प्राचीन अच्छी सब प्रकार के यहाँ पर दुकानें स्टॉल्स लगा करते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती है यहाँ पे। चारों तरफ आप इसके व्यू घुमाएंगे, हर तरफ आप इसको दुकानें नज़र आ जाएंगे आपको। और देखिए भीड़, अभी से मैंने कहा था ना, देखिए भीड़ मंदिर से लेकर के देखिए वहाँ से लाइन लगी है। ये देखिए सीधे ऊपर 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 चलती जाएगी और इतनी सीधे बिल्कुल अभी यहाँ तक है और इसके बाद देखिए ऊपर तक चली जाएगी। दो दो तीन तीन लाइन हो जाया करती हैं। दुकान ही दुकानें देखिए, मन को आकर्षित करने वाला यह क्षण। जब कोई यहाँ पर आता है तो जाने का मन नहीं करता। देखिए यहाँ पे बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए चरखी ट्रैम्पलिन ये लगाए गए हैं। अभी दुकानें सज ही रही हैं। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर इस मंदिर के बारे में एक और मान्यता है कि एक राजा यहाँ पे रहा करता था जिसकी एक गाय हुआ करती थी और वह गाय जो है प्रतिदिन अपना दूध इस मंदिर में आकर के जहाँ पे भोले बाबा जी का लिंग हुआ करता था वहाँ पे छोड़ दिया करती थी। राजा को जब दूध नहीं मिला करता था, एक बार उसका जो रखवाला है उसके पीछे गया तो देखा उसने कि यहाँ पर वो गाय जो है यहाँ पे अपना दूध छोड़ जाया करती है, दे दिया करती है। उस रखवाले को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उसने उस
गाय का जो है यहाँ पे वध कर दिया। गाय मरते मरते उस समय गाय ने जो है गोबर किया और वो चार पिंडियों के रूप में उन्होंने गोबर यहाँ पे किया, और चार पिंडियों के रूप में जैसे गोबर किया तो एक पिंडी धीरे धीरे जो है किलकिल करती जो है किलकिलेश्वर में चली गई, और एक पिंडी जो है कमलेश्वर में चली गई, और दो पिंडियाँ हैं जो शेष इस भोले बाबा के मंदिर में ही विराजमान है। कभी भी यदि आपको मौका लगे तो इसको यहाँ पर आके आप देख सकते हैं। बहुत ही श्रेष्ठ पुनीत यह क्षण है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे कई दुकानें लगी हैं बच्चों के लिए, हर प्रकार की, बच्चे जवान हर किसी का मन इसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। गेट के दोनों ओर ही लगी हुई है दुकानें। काफी दिल को गदगद कर देने वाला क्षण है। हर इस पल को संजोए रखना चाहता है, अपने पास चाहता है कि मैं अभी इसमें शामिल हो रहा हूँ। देखिए काफी भीड़ लगी हुई है। जैसे जैसे दिन आगे चढ़ेगा भीड़ बढ़ती जाएगी। हर प्रकार की सामान यहाँ पे अवेलेबल, बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए लगाई गई है। यहाँ पे लगी हुई खाने पीने की दुकानें भी उपलब्ध हैं। ये जो कांडा गांव से आने वाला द्वार है, इसी के समीप यहाँ पे बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन्स, खाने पीने के कुछ सामान्स और ये खेलने की इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। यहाँ पे कर्मचारियों द्वारा जो सुरक्षा बल के हैं प्रोसेशन करते हुए, देखिए कितनी बड़ी कतार लग चुकी है। ये है भक्ति भाव जो भगवान के मंदिर में खींचा चलाता है भक्त। देखिए कितना आकर्षक नज़ारा है जो कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है, यही तो है मेले का आकर्षण। देखिए कितना अच्छा आकर्षण नजारा। व्यूअर्स, यहाँ पर एक सीरा चौरी जो चौरियाँ हैं उनमें से एक सीरा चौरी भी है जिसमें कि मंजू घोष मंदिर में एक चौरी है जिसको सीरा की चौरी के नाम से पुकारा जाता है। इसकी खासियत ये है कि श्रीनगर का जो राजा कोलासुर और उसका जो सेनापति लीलासुर दोनों ने जो है औरत का भेष धारण कर लिया था, और मंजू देवी का जो देवी थी उनका अपहरण करने की कोशिश
कर रहे थे लेकिन वहाँ जो है असफल हो गए और श्री मंजू देवी ने कोलासुर और जो लीलासुर नाम के जो असुर थे इनके सिर के बाल खींचकर उनको नष्ट कर दिया। और आज के दिन में जो बालों की जगह जो है उस समय तो बाल खींचे गए थे लेकिन वर्तमान में बालों की जगह जो बबलिया को खींचा जाता है और बबलिया उन्हीं के केशों का प्रतीक माना जाता है। जब मेला समाप्त होने लग जाता है तो इसमें धूप धुपड़ा और जो घंटी आदि लेकर सिराचौरी में आते हैं और सिराचौरी में आने के तत्पश्चात वहाँ पर जो चौरी में रखी मूर्ति उनका पूजा अर्चन किया जाता है और साथ ही बबलिया को खींचा जाता है। और जब यह मेला समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाने के तत्पश्चात यह मेला कम से कम समाप्त हो जाने के बाद एक महीने के लिए ये मंदिर बंद हो जाया करता है, इसके कपाट बंद रहते हैं। देखिए स्टॉल्स लगे हुए हैं काफ़ी। इस मेले में हमारे गांव की महिलाएं भी आ रखी हैं इस समय, जो काफ़ी लंबी कतार है उनमें वह लगी हुई है। ये हमारे गांव की दादी जी और उनके साथ और जी भी आ रखी हैं। ये देखो इनके नंबर यहां पे हैं और मंदिर है वहां, देखो वहां जाने में अभी इनको काफ़ी समय लगेगा। आ गए, वेलकम, स्वागत। कतार देखिए, कतार भक्तों की। दादी जी स्वागत हो गया है तुम्हारा इस खाना मंदिर में, चाची ताई। महादेव, अब माता जी भी सुन। ये कंडारा के जो है चीफ गेस्ट जो भक्त आ रखे हैं यहाँ पे, पहली बार यहाँ पे दर्शन के लिए आ रखे हैं। और यह हमारा गांव का सब दद्दी चाची बोड़ी सब जो छुन इधर पहली बार ये काना मेला मया छुन। आपको छे नाम दगड़ा का ले जिठा रोटी का गिन। जय माँ चंद्रवती। अरे थगे नहीं थगे नहीं, अबे दादी बिजा दूर रहे। बोलो मम्मी, आ जाओ जूते जाते पहन लो। गांव से किसान कांडा मंदिर जाएंगे।
पंडो है जहाँ पर जो माता का जो प्रतीक है निशान जो है यहाँ पे नाचते हुए पंडो चौक है, यहाँ पे आना ही पड़ता है इस गांव के निशानों को लेके। ये जो निशान जा रहा है उसके साथ जाते हुए ये दूसरा निशान जाते हुए गांव का जय माता जी। ये तीसरा निशान जय माता की। दूसरा ये तीसरा निशान ये मंजघोष महादेव मंजघोषेश्वर महादेव में जो है जाएंगे भी पंडों का चौक है। ये हमारे गांव कंडारा से हमारी दादी चाची ताई बूढ़ी सब ये लगभग आ रखे हैं यहाँ पर। अब इन बता तुम पहले कि आप लोग पहली बार आना चाहिए कि पहले और कन महसूस होना था भी आप थे कि मैं मतलब भूख। हाँ जी अपना गाँव बड़े खाना कत का टाइम लगे तुम थे
घंटा पूरी गाड़ी की गाड़ी गाड़ी की गाड़ी कहीं रुकी नहीं था ना। अब भूख लग गई अरे देखा यूं देखो प्यार देना प्यार का रूम में संतरा अवेलेबल। इस कांडा मंदिर से जो श्रीनगर मार्केट है इसका जो सुंदर विहंगम दृश्य कुछ इस प्रकार से है। आई होप व्यूअर्स आपको यह कांडा का जो दूसरा दिवस है भैया दूज के उपलक्ष्य पे जो यहाँ पे मेला हो रहा है इस ब्लॉग को काफ़ी अच्छा आपको लग रहा होगा। यदि आपको यह ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन। हर प्रकार की सामान यहाँ पर उपलब्ध है, मेल फीमेल के कपड़े टोटली किचन के सामान। कल और आज मिलाकर के 54 54 निशान आए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।